सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट देखने वाले कक्षा 11वीं का जो रसायन विज्ञान का हाफ ईयरली पेपर यूपी बोर्ड का हुआ है, इस पेपर को चेक करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान का। इसके पहले देखिए कक्षा 11वीं के अंग्रेजी के पेपर को हमने अपलोड किया है चैनल पर। यदि आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पड़ा हुआ, जाकर के आप चेक करें। तो आइए पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करके भी देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आप लोगों को किस प्रकार से प्रिपरेशन करना होगा। यहाँ पर देखें निर्देश पूर्णांक दिया गया है और सभी खंड करने अनिवार्य हैं। गणना के कार्य आपके उत्तर पुस्तिका में ही किए जाएंगे। और यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प में जो सही होगा उसका ऑप्शन काटना है। देखिए पहला का क वाला क्वेश्चन क्या दिया है, केमिस्ट्री क्लास 11th का, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा। ए दिया है नाइट्रोजन, बी दिया है ऑक्सीजन, सी दिया है कार्बन का, डी दिया है फ्लोरीन का। देखें इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और फ्लोरीन सभी दूसरे आवर्त के तत्व हैं और ये इनका जो परमाणु है बढ़ते हुए क्रम में, पहले कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। तो जैसे जैसे हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये इनकी जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ रहा है। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, बढ़ता जा रहा है। तो कार्बन की परमाणु की संख्या, परमाणु क्रमांक बढ़ रही है, तो उसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, 6p 7p 8p 9p। और प्रोटॉनों की संख्या ही उसका क्या है, न्यूक्लियस चार्ज है, नाभिकीय आवेश है। तो न्यूक्लियस चार्ज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचते जाएंगे, जिससे लेफ्ट टू राइट जाने पर उनकी साइज कम होती जाएगी, क्योंकि जो नाभिक है ना, ये जो नाभिक होते हैं वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो साइज ऑटोमेटिकली कम होगा। तो यहाँ पर कार्बन से जब फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो साइज और जो है कि छोटी होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस चार्ज, ये प्रोटॉनों का पावर ही उनकी न्यूक्लियस चार्ज है, जबकि उनके नंबर ऑफ सेल्स तो दूसरे में सभी हैं। तो न्यूक्लियस चार्ज की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन उनके पास आएंगे और साइज उनकी कम होती जाएगी, यानी ये कहें कि फ्लोरीन का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9p का पावर होगा एज कंपैरिजन देन कार्बन के। अर्थात जस्ट इसका अपोजिट होगा कि कार्बन का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस जो चार्ज है 6p का है, ये कम शक्ति से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और इनकी जो फ्लोरीन की न्यूक्लियस चार्ज है वो 9p का है, वो और अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे उनकी साइज और कम होगी। तो कार्बन का इसमें सबसे बड़ा होगा न्यूक्लियस जो साइज है, अर्थात इसमें जो विकल्प आपका सही होगा सी वाला, कार्बन वाला होगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखें कि मैंगनीज ख का, मैंगनीज टेट्राऑक्साइड के पावर घाते -2 लिखा है, MnO4 के पावर घाते -2 है। इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मैंगनीज का मान लेंगे, माना मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर X है, और ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 अगुणित्य में घात, यहाँ पर 4 लगा है तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, बराबर यहाँ पर जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा उसको हम बराबर के बाद लिख लेते हैं, यदि नेगेटिव होते -2 कर देंगे। अब इसको बस सिंपली सॉल्व कर लेना है, अब सॉल्व करके इसको पक्षांतर कर दीजिए, और ऋण 8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, और घटाएँगे तो +6 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, अर्थात इसमें जो विकल्प सही होगा वो सी वाला होगा, 6 आएगा। अब ग वाला क्वेश्चन देखें, दिया है डेल्टा एच और डेल्टा ई में सही संबंध होगा। देखें ये थर्मोडायनेमिक चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है इसमें, और डेल्टा एच को बोलते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन, और डेल्टा किया है डेल्टा ई उसकी एनर्जी में परिवर्तन है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है, डेल्टा ई है। तो डेल्टा एच जो है एंथैल्पी क्या होता है, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा जो होगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा उस निकाय के द्वारा दाब आयतन कार्य के द्वारा, माने कि जो कार्य किया जाता है, दोनों के योग के बराबर होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी और दाब आयतन कार्य। तो ये चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में क्या सही होगा यहाँ पर चेक करेंगे।
और जो एंथैल्पी होता है डेल्टा एच, वो इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी के बराबर होता है, यानी कि दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होता है। तो चारों विकल्प में जो सही विकल्प होगा यहाँ पर डी वाला विकल्प राइट कर देंगे, क्योंकि जो एंथैल्पी परिवर्तन है हालांकि इस साइड में लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एच बराबर क्या होगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, ए डी वाला विकल्प राइट है। अब घ वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एस टू प्लस आई टू बराबर टू एच आई, हाइड्रोजन और आयोडीन इक्वल टू टू एच आई इक्वेशन दिया गया, केसी का मात्रक पूछ रहा है, केसी जिसको हम लोग साम स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये दिया गया इक्वेशन है, तो केसी का जो फार्मूला होगा, केसी का जो सूत्र होगा, इधर की राशि बटे इनका इनके जो है द्रव्यमानों का भाग दे दिया जाता है सक्रिय द्रव्यमान का। तो केसी इज इक्वल टू क्या होता है, एच आई का द्रव्यमान, इसको बड़ा कोष्टक के द्वारा द्रव्यमान दिखाते हैं, और यहाँ पर जो मोल इसका मात्रा है इसको घात लगा देते हैं, आप पूरे के बटे एस टू का द्रव्यमान इसकी और दूसरे कोष्टक में आई टू का द्रव्यमान। अब ये फार्मूला लिख लिया जाता है। अब इसमें जानते हैं ये कंसंट्रेशन दिया गया है, ये सांद्रता दी गई है, द्रव्यमान का मतलब कि ये सांद्रता है, और सांद्रता का जो मात्रक होता है मोल पर लीटर होता है, ठीक है। सभी सांद्रताएं दी गई हैं, एच आई की जो सांद्रता होगी यहाँ पर मोल प्रति लीटर लिख लेंगे, मोल पर लीटर, चूँकि घाते दो लगाया है ऊपर, घाते दो लगा दीजिए, अपूरे के बटे एस टू की सांद्रता वही होगा मोल पर लीटर, इंटू आयोडीन की सांद्रता क्या होगी मोल पर लीटर। अब देखिए इससे कट जाएगा, चूँकि घात दो है तो ये मोल पर लीटर कट करके उत्तर एक आया आपका, यहाँ पर आंसर यानी केसी की जो मात्रक आई एक आया, अर्थात जब आप चार विकल्प देखेंगे तो चारों विकल्प में पाएंगे कि कोई सही नहीं, एक है ही नहीं किसी में, यानी डी वाला विकल्प आप सही कर देंगे, इनमें से कोई नहीं है। अब अंगा वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 273 अंश सेल्सियस ताप एवं 44.8 लीटर आयतन के गैस के 2 मोल का दाब पूछ रहा है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे दिया और आयतन भी दे दिया और मोलों की संख्या यानी कि भी वैल्यू दिया है, दाब पूछ रहा है, दाब क्या होगा। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इसको आइए चेक करते हैं। देखें यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, टेम्परेचर आपका 273 दिया है, अब चूंकि अंश सेल्सियस में दिया है, इसको केल्विन में बदलने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है टी बराबर 273 प्लस अंश सेल्सियस, अब इसको जोड़ करके केल्विन में बदल लिया गया, 546 आया, और आयतन दिया है 44.8 लीटर, और आर की जो वैल्यू होती है गैस नियतांक 0.082 होता है, मोल इसका 2 मोल दिया है, आदर्श गैस समीकरण हमारा क्या कहता है, पी वी बराबर एनआरटी कहता है, और इसमें हम लोगों को दाब पूछ रहा है, तो दाब बराबर क्या होगा एनआरटी बटे भी होगा, दाब बराबर एनआरटी बटे भी होगा। अब इसमें साधारणतः हम मान रख देते हैं, यानी कि वैल्यू दिया ही है, आर की वैल्यू दे दिया और टी की वैल्यू दे दिया और यहाँ पे आयतन का वैल्यू दिया, इसको गुणा करके जब काटेंगे तो 2 ATM इसका आया दाब, अर्थात इसमें जो विकल्प सही होगा यहाँ पे बी वाला विकल्प आप सही कर देंगे, 2 ATM सही होगा। इसके बाद छ वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में, देखिए छ का क्या दिया है, यदि रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता 0.9 ग्राम पर लीटर है, 1 लीटर में 0.9 ग्राम है, तो रक्त में ग्लूकोज की मोलरता पूछ रहा है, मोलरता यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, आइए इसको सॉल्व करके हम लोग चेक करते हैं। देखिए ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है C6H12O6, तो इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा, सबका आपस में अणु भारों का गुणा कर दें, यहाँ पे दिए गए इनके जो अणुओं की संख्या है, जैसे कार्बन का 6 है तो 12^72 प्लस हाइड्रोजन का 12^12 और ऑक्सीजन का कितना 16^96, टोटल जोड़ेंगे तो मोलर मास इनका 180 आ गया ग्लूकोज का, और जो ग्लूकोज का भार दिया है मात्रा W ग्राम में दिया है 0.9 ग्राम दिया है, और उसका आयतन आपका लीटर में 1 लीटर दिया है, 0.9 ग्राम पर लीटर माने कि उसका द्रव्यमान 0.9 ग्राम दिया है। अब देखें मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता m बराबर क्या होगा, मोलों की संख्या बटे आयतन होता है, n बटे भी आयतन, अब n अणु मोलों की संख्या है, n बराबर W/m होता है, m W/m, W क्या है उसका भार है और m क्या है मोलर मास, मोलर मास 180 है और W का मान 0.9 है, तो मोलरता का ये फार्मूला जब n बटे भी में आप रखेंगे W/m अब गुणितते भी चूँकि आयतन है, अब सबका मान रख दें, यहाँ पे 0.9 और मोलर मास निकला 180 गुणितते आयतन आपका 1 दिया है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.005 मोलर।
तो इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा सी का होगा 0.005 मोलर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का क देखें क्या आया हुआ है। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी देना है तथा मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन भी आया है। मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा, पहले आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। देखें कोई भी पदार्थ होता है तो उस पदार्थ में जितने भी अणु भाग लेते हैं, किसी भी पदार्थ में जो भी उसमें अणु हैं तो उस अणु में जितने भी परमाणु होते हैं, परमाणुओं की कुल संख्याओं का योग ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि कोई भी अणु है तो उसमें जो परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका जो कुल द्रव्यमान होगा, मोलर मास जिसको कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेथेन के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त हो रहा है तो उसके कितने मोल लगेंगे। अब देखिए जो मेथेन होता है, मेथेन का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे यानी दहन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस जल वाष्प बनेगा, सब गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये जनरल फार्मूला होता है 1CH4 यानी मेथेन की 1 मोल मात्रा पर जब इसका 2O2 की अभिक्रिया कराएंगे तो ये चीज़ बनेगा CO2 प्लस 2H2O, ये जनरली चीज़ होता है। अब मेथेन में 1 मोल मात्रा होती है और यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल भार निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 32 यानी 44 होगा। यानी यहाँ पर आप देखिए कि जब 44 ग्राम CO2 यूज किया गया है तो जनरली CH4 की कितना मोल यूज हो रहा है, 1 मोल, यहाँ पे जनरली कुछ नहीं तो 1 मोल, तो 44 पर 1 मोल यूज हो रहा है, वही चीज़ है, चूँकि 44 पर CO2 मेथेन के 1 मोल से प्राप्त हो रहा है। तो 1 ग्राम CO2 पर कितना मेथेन का मोल लगेगा, 1/44 होगा, और 22 पर पूछ रहा है तो 22 × 1/44 करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा 0.5 मोल। अब दूसरे का ख वाला देखिए आया हुआ है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। देखिए पाउली के नियम का उल्लेख करना है, तो पाउली ने क्या नियम दिया था, उनके नियम के अनुसार यदि जो क्वांटम संख्या n, l और m होती हैं तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या s होती है, स्पिन क्वांटम संख्या s होती है और दिगंशी क्वांटम संख्या l और मुख्य क्वांटम संख्या n होती है, तो उन्होंने बताया कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी बराबर नहीं होता। यदि मान लीजिए कि अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m के मान बराबर भी हो जाए तो s का मान डिफरेंस होगा, क्योंकि जो स्पिन क्वांटम होती है, स्पिन नंबर, वो +1/2 और -1/2 होती है, यानी कि अप साइड में और लोएस्ट साइड में, इसको चेक कर लेंगे। ग वाला देखिए दिया है एंथैल्पी क्या है, आयनन एंथैल्पी, तो जो आयनन एंथैल्पी होता है कोई भी गैसीय विलगित निकाय होता है तो किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में उसके बाह्यतम कोश के उसके बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग आयनन एंथैल्पी कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। तो किसी परमाणु के बाह्य कोष से उसके इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर निकालना हो तो जो एनर्जी उसमें चाहिए बाहर निकालने के लिए वही हमारा क्या कहलाता है, आयनन एंथैल्पी कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है वो मार्कोनी काप का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मार्कोनी काप का रूल क्या होता है कि जब हम लोग किसी असममित एल्कीन ले लें, कोई भी जैसे एथिलीन प्रोपीन ले लें, तो मार्कोनी काप का रूल क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब कोई असममित एल्कीन हम ले लें तो और उस पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो निगेटिव पार्ट है वह असममित एल्कीन में उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और जबकि हाइड्रोजन हैलाइड का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पर देखें कि जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो एल्कीन है यानी कि प्रोपीन है, अब इस प्रोपीन पर यहाँ पर डबल बांड है, हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि यहाँ पे HCl से अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो मार्कोनी काप का क्या रूल कहता है, हाइड्रोजन हैलाइड में जो H है वो पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यह जो निगेटिव पार्ट है इस एल्कीन में यानी प्रोपीन में उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यह जो Cl है आकर के इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, यहाँ पर
चूँकि इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब जानते हैं जहाँ पर ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है वहीं अटैच होता है, यहाँ दूर नहीं जाएगा। और दूसरा HCl का जो हाइड्रोजन हाइड्राइड है, इसका जो ये धनायन पार्ट है H+, यह उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर आकर के इससे जुड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए CH3 बना रहा है, यहाँ जो है बॉन्ड आपका ब्रेकअप एक होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ Cl अटैच होगा, यानी 2-क्लोरोप्रोपेन बना लेगा। यही मार्कोनिक आपका रूल है। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा का क कह रहा है sp2 संकरण को उदाहरण देकर के स्पष्ट करें। तो वह संकरण जिसमें एक s हो और p2 हो, एक s ऑर्बिटल हो और दो p ऑर्बिटल हो, मिलकर के 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी कि p2 और s, यानी 2 1 3 हो जाएगा, 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उनको हम लोग sp2 संकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है, बीच वाला जो एटम होता है, वो अपने आसपास किन्हीं 3 लोगों से अटैच होता है। जैसे देख ले एथिलीन में, अब एथिलीन का जो फार्मूला होता है C2H4 होता है, H4। जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन चूँकि आपके पास 4 हैं तो 2-2 का यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, इसके पास 4 हाइड्रोजन हो गए, अर्थात इनकी स्ट्रक्चर CH2 बन गया, ये आपका एथिलीन है। तो इस एथिलीन में ये बता रहा कि जो सेंटर का एटम यहाँ पर होगा वो अपने आसपास जो कार्बन होगा वो 4 किन्हीं 3 परमाणु से अटैच है, तो आपका sp2 संकरण माना जाता है। देखिए यह जो कार्बन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कार्बन से अटैच हो गया, ये वाला भी कार्बन sp2 संकरण बना रहा है, यहाँ पर sp2 संकरण बन गया, यहाँ भी sp2 संकरण बन गया, क्योंकि यह जो कार्बन है 1 2 3 3 लोगों से अटैच है। तो जब एक s और दो p ऑर्बिटल मिलकर के 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो sp2 संकरण कहलाता है। तीसरे का ख देखिए पूछ रहा है p ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। आवर्त सारणी में स्थान व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है p सबसेल में प्रवेश करता है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है p सबसेल में, p उपकोष में जाता है, उन्हें p ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और p ब्लॉक के तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर के 18 तक पाए जाते हैं। और p ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP126 होता है, इसको आप चेक कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे का ग वाला क्वेश्चन देखिए स्कैंडियम 21 के अंतिम इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान पूछ रहा है, चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। तो जब स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 के अनुसार, तो यहाँ पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा देख ले, यहाँ पर 4s2 3d1 में जा रहा है, यहाँ पर देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यहाँ पर चूँकि d से पहले जो 4s में जाएगा ऊर्जा स्तर लोएस्ट है उसका, तो s सबसेल भरने के बाद तब d में जाएगा, तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है d सबसेल में प्रवेश कर रहा है 20 1 21। अब चूंकि 3d यानी कि n की वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगा, l का वैल्यू क्या होता है n-1 होता है यानी कि 2 होगा, और m का वैल्यू क्या होता है -l से +l तक होता है, यानी कि 2 का मतलब आप दिखाएंगे -2 -1 0 +1 +2, और इसको सब सेल के उपकोषों में भरेंगे तो d में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, उपकक्षक होते हैं 1 2 3 4 5। अब चूंकि यहाँ से शुरू होगा, देखें -2 -1 जो लिखा गया है उसके जो m की वैल्यू आई है उसका चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो यहाँ से इसी चुंबकीय क्वांटम संख्या को यहाँ पर उपकक्षकों में दर्शाते हैं, -2 -2 यहाँ आएगा, -1 0 +1 +2 ऐसे बढ़ता जाता है, क्योंकि -2 यहाँ पर है, चूँकि 3d1 है तो 1 में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, अभी 2 होता तो आगे बढ़ जाते, इस तरह से भराव होता जाता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका 1 इलेक्ट्रॉन मात्र इसमें -2 वाले में जा रहा है, अर्थात तो उस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम संख्या होगी +1/2 होगा, यदि 2 होते तो यहाँ पर -1/2 भी हो जाता। अब तीसरे का घ यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया का उल्लेख करना है। तो देखिए उष्मा छेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है
जिसमें कोई भी रासायनिक क्रिया हमारा हो रहा है तो उस रासायनिक क्रिया के संपन्न होने के लिए जितना ऊष्मा वह उत्पन्न करता है, यानी कि कोई भी अभिक्रिया हो रही तो इसमें से ऊष्मा रिलीज होगा, लेगा नहीं, ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, वह ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है। और वही बात करें ऊष्मा शोषी का, तो वह अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा की आवश्यकता होगी, शोषण होगा, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ऊष्मा छिपी अभिक्रिया में जैसे हम नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं और अमोनिया गैस बनाते हैं, तो वहाँ पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन यानी कि जो एनर्जी होगा प्रैक्टिकली देखा गया है कि -23.4 किलो कैलोरी पर मोल होता है। और वहीं जब N2+O2 उसमें जो अभिक्रिया पाई जाती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में पाई जाती है, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा चाहेगा 2NO बनाने के लिए 43.2 किलो कैलोरी होना चाहिए, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा का क्या दिया है कि 5 ग्राम एसिटिलीन गैस को 50° सेल्सियस ताप तथा 1 bar दाब पर कितना आयतन घेरेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको उसका भार दिया है, एसिटिलीन की मात्रा दिया है, W का दिया है यहाँ पे 5 ग्राम, और उसका टेम्परेचर T 50 है, इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देंगे इसमें, और आपको वहाँ पर P दाब भी दिया गया है, और यहाँ पे आयतन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए एसिटिलीन का C2H2 का मोलर मास निकाल लेंगे, यहाँ पर 26 होगा, जोड़ेंगे तो चूंकि 12 होता कार्बन का, 12 × 2=24 और प्लस हाइड्रोजन का 2 × 1=2 26 हो जाएगा। उसका भार आपको 5 ग्राम दिया गया है। अब चूंकि टेम्परेचर को केल्विन में बदलेंगे तो 273 में इस 50 को हम जोड़ दिए हैं, 323 केल्विन आएगा, और इसका जो दाब पी है 1 bar यहाँ पर दिया गया है, आर की वैल्यू 0.082 होता ही है दिया है। अब आदर्श गैस समीकरण PV=nRT लगा दे सूत्र, और आयतन पूछी रहा था, V बराबर क्या होगा nRT/P हो जाएगा, और N बराबर क्या होता है W/m होता है, W क्या है उस पदार्थ का भार जो जितना दिया है, और उसका m क्या है मोलर मास, मोलर मास 26 होगा उसका एसिटिलीन का। R का मान दिया है रख दीजिए, W का मान 5 दिया है, T की वैल्यू अभी 323 निकाला गया जोड़ करके, 273 में 50, और यहाँ पे m क्या है मोलर मास निकल गया, गुणित पी की वैल्यू 1 bar दिया गया है, सबको जब हल करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आयतन 5.09 लीटर निकल आएगा, यही इसका आंसर होगा। अब जो है प्रश्न चौथा का ख, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, मेंडलीव का आधुनिक आवर्त का क्या नियम है और आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है यहाँ पे, अर्थात तो ब्लॉक पूछ रहा है कितने ब्लॉक में डिवाइड है। देखें जो आधुनिक आवर्त नियम है वो कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, और मेंडलीव के अनुसार ये जो आवर्त सारणी है 4 ब्लॉकों में बटी हुई है, ब्लॉक यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वर्ग 1 और 2 में होते हैं, और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं 13 से लेकर के 18 तक होते हैं, और वहीं डी ब्लॉक की बात करें जिसको संक्रमण तत्व कहते हैं ए 3 से लेकर के 12 तक होते हैं, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट 14 तत्व लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं। चौथा का ग वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक को समझाना है। यहाँ पर देखिए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक ये पहला ही आपके चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसमें जो अभिकारक भाग लेते हैं और उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है यानी कि जो उत्पाद बनता है, तो उस अभिकारकों और उत्पादों की जो मोलों की संख्या होती है वही स्टाइकियोमेट्री कहलाता है, और उन मोलों की जो मात्रा होती है यानी कि उनके जो गुणांक होते हैं उसे जो है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर जब मीथेन का हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो CO2 बनता है प्लस जल वाष्प बनेगा। अब इसके कहने का आशय यह है कि यहाँ पर जो मीथेन है 1 mole यूज किया गया और ऑक्सीजन जो है 2 mole आया इस इक्वेशन के लिए, और जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड 1 mole बन रहा है और वाटर जो है 2 mole बन रहा है, तो ये 2, 1, ये 2 यही क्या है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है।
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, एक बार देख लें काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। अब घ का देखिए क्या पूछ रहा है कि एन टू प्लस थ्री एच टू इज इक्वल टू टू एन एच थ्री बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, तो साम स्थिरांक का सूत्र पूछ रहा है। तो साम स्थिरांक को केसी से व्यक्त करते हैं, तो इसके सूत्र को आइए हम लोग स्थापित करते हैं और केसी का मान निकालते हैं साम स्थिरांक। देखिए आपका जो क्वेश्चन होता है N2 प्लस थ्री एच टू इज इक्वल टू टू एन एच थ्री, इसके लिए क्या होता है कि अग्र अभिक्रिया की दर हमें मानना पड़ेगा RF, फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और विपरीत अभिक्रिया की दर को हम मान लेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि RB मान लेंगे। तो इसके नियम के अनुसार क्या होता है कि जो अभिक्रिया की दर होती है इनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अग्र अभिक्रिया की दर RF इज प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा N2 गुणित S2 के। अब चूंकि 3S2 यहाँ पर लगाया गया है इसलिए यहाँ पे S2 को कोष्टक में लिखने के बाद इसके पावर 3 लगा देंगे, उसका जो मोल है ये RF बराबर इसको हम लोग KF, एक नियतांक है स्थिरांक आएगा जिसको अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहेंगे KF को, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से विपरीत अभिक्रिया की जो रेट होगी यानी कि RB, विपरीत अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तो ये RF क्या है, RF अग्र अभिक्रिया का दर है और RB क्या है विपरीत अभिक्रिया का दर है, दोनों की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। RB बराबर क्या हो जाएगा KB NH3 के पावर 2। अब चूंकि इसकी सांद्रता NH3 का 2 दिया है तो उसका घात आप 2 लगा के देंगे, ये समीकरण नंबर 2 बन गया, ये समीकरण नंबर 1। अब चूंकि साम्य की स्थिति, साम्य स्थिरांक क्या कहता है, साम्य की स्थिति ये कहता है कि अग्र अभिक्रिया की दर बराबर विपरीत अभिक्रिया की दर, यानी कि RF, ये RF और ये RB ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, चूंकि एक पक्ष समीकरण का बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में फिर दोनों समीकरणों को हम बराबर कर दिए हैं यहाँ पे। अब बराबर करके क्या किया जा रहा है कि KF बटे यहाँ पर KB, अब बराबर यहाँ NH3 बटे क्या हो जाएगा N2 बाई S2, इनके पावर जो भी हो यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात KF बटे KC यानी कि अग्र अभिक्रिया क्या वेग स्थिरांक और विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसका अनुपात को हम लोग साम स्थिरांक KC कहते हैं, यही इसका फार्मूला है। अब इसमें पांचवा का क्वेश्चन दिया है कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम लिखना है। देखिए क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, नाभिक से उनकी दूरी और कक्षक की आकृति, उसका अभिविन्यास, चक्रण, इन सबको निरूपित करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, जैसे यस यहाँ पे ख वाला देख दिया, सहसंयोजी अबंध किसे कहते हैं, तो परमाणुओं के बीच साझेदारी द्वारा, दो परमाणु के बीच साझेदारी द्वारा बनने वाला जो बंध होता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है S2O और CCl4 की सहसंयोजी अबंध बताएं। अब S2O का दिखाएंगे, चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका बीच में हो जाएगा, चूंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ऑक्सीजन के एक ही इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा दोनों तरफ, और बाकी ऑक्सीजन का चूंकि लास्ट सेल में यहाँ पे 6 मोर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 और एक एक साझेदारी कर लिया यहाँ पर, स्थायी विन्यास प्राप्त करता हुआ जो ऑक्सीजन है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, इस तरह से S2O की स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे CCl4 का जो स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर आप देख लें, चूँकि कार्बन और यहाँ पर क्लोरीन, सभी कार्बन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है और स्वयं जो मिडिल का कार्बन है इसका अष्टक पूर्ण होगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस कर लें। अब पांचवा का ग वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हेस का स्थिर ऊष्मायोग नियम आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है। तो हेस वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने ये क्या बताया, उनके अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वह अभिक्रिया चाहे एक या एक से अधिक चरणों में पूर्ण हो या उसे हम कितनी भी विधियों से क्यों न बना ले, उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो सदैव नियत होती है, बराबर होती है, अर्थात कोई भी अभिक्रिया एक या एक से अधिक चरणों में पूर्ण होती है तो उसमें जो शोषित ऊष्मा है और जो उसमें उत्पन्न उत्सर्जित ऊष्मा है वह सदैव समान रहता है, ये हेस का नियम है। अब देखें इस एग्जाम्पल से हेस के नियम को समझें, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कोई भी अभिक्रिया, यहाँ पर कार्बन जो है वो सॉलिड है,
ठोस है और ऑक्सीजन जो है एक गैसियस फॉर्म में है। जब कार्बन का दहन ऑक्सीजन से हो रहा है तो CO2 बना रहा है और इसमें जो एंथैल्पी यानी कि जो ऊर्जा अवमुक्त हो रही है उत्सर्जित हो रही है 94.3 किलो कैलोरी, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने में इतना ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। अब इसको बनाने के लिए, इस CO2 को निर्माण करने के लिए यदि चरणवार बनाया जाए या एक से अधिक चरणों में पूरा किया जाए स्टेप वार, तब ऊष्मा की वैल्यू क्या होगी देखें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो कार्बन सॉलिड है उस पर O2 की थोड़ी सी मात्रा कम कर दिया, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया गया। देखें हाफ यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और CO बन जाएगा आपका, और इसमें जो ऊर्जा रिलीज होती है यहाँ पे माइनस में सब वैल्यू होती है 26 किलो कैलोरी। और यहाँ पर आगे बताया जा रहा कि जब यही कार्बन मोनोऑक्साइड इस पर फिर हाफ O2 की अभिक्रिया कराया, हाफ से यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए CO और ये 2 से 2 कटने पर O मिलकर के CO2 बनाएगा और जो एनर्जी रिलीज करेगा यहाँ पर 68.3 किलो कैलोरी। तो अब इन दोनों दो चरणों को, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखें कि दोनों पक्ष से CO और CO एक क्लास हो जाएगा, कट जाएगा। अब इधर कार्बन बचेगा, कार्बन और प्लस ये हाफ O2 और हाफ O2 जोड़ेंगे तो O2 ही आएगा, इज इक्वल टू इधर 26 और 68 जोड़ेंगे, यहाँ से देखें CO2 बचेगा प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 94.3। तो इनके कहने का ऐसा ये है कि जब हमारी अभिक्रिया प्रारंभ में थी तो 94.3 किलो कैलोरी उसमें उत्पन्न कर रही थी एक चरण में, अब इसको 2 या 2 से अधिक या कई चरणों में पूरा किया गया तब भी ऊर्जा हमारी वहीं का वहीं है यानी कि समान है। अब घ वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि pH को परिभाषित करें, अम्लीय क्षारीय और उदासीन विलयन के लिए pH की वैल्यू क्या होगी। देखें जो pH मान होता है या pH होता है, हाइड्रोजन आयन के रीढ़ लगे रिथम को pH की तरह परिभाषित किया जाता है, हाइड्रोजन आयन के रीढ़ लगे रिथम को pH कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है pH बराबर क्या होता है, माइनस लाग एच पॉजिटिव होता है, आधार 10 रखेंगे, इनकी जो कंसेंट्रेशन है हाइड्रोजन के रूप में यहाँ पर लिख लिया जाता है कोष्टक में इसकी सांद्रता उसकी मात्रा। और जब कोई भी विलयन होता है उसकी जो pH मान होती है, यदि आप उसका pH मान 7 से कम होता है तो विलयन आपका अम्ली माना जाता है, अम्ली। और वहीं pH मान यदि 7 से ज़्यादा होगा तो वह जो विलयन होगा वो क्षारीय माना जाता है, और वहीं pH वैल्यू जब 7 के बराबर होगा तो वह विलयन उदासीन माना जाता है, उदासीन। अब देखिए प्रश्न 6वां का कब बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, आदर्श गैस समीकरण क्या है, इसके सूत्र को स्थापित कीजिए, जो PV बराबर NRT होता है। तो ऐसी गैसें जो कि ताप दाब की सभी परिस्थितियों में, ताप दाब की सभी परिस्थितियों में जो गैसीय नियमों का पालन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। और इसके आधार पर यदि बायल चार्ल्स तथा अवोगाद्रो का नियम लगा दिया जाए, एक साथ संयुक्त करके लगा दिया जाए, तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम लोग आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। यानी यहाँ पर बायल का नियम लगाएंगे, चार्ल्स का नियम लगाएंगे और अवोगाद्रो का नियम लगाएंगे, तीनों का, और तीनों को लगाने से जो समीकरण की व्युत्पन्ति होगी या जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हम लोग आदर्श गैस समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सॉल्व किया है कि बायल का जब आप नियम कहेंगे तो बायल का क्या रूल है, स्थिर ताप पर जो आयतन होगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है बायल के नियम से, तो वीज प्रोपोर्शनल टू दी 1/P के इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर हो जाता है, स्थिर दाब पर आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि वीज प्रोपोर्शनल टू दी टी के इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और अवोगाद्रो का क्या नियम है, समान दाब तथा ताप की परिस्थिति में जो आयतन होगा मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी वीज प्रोपोर्शनल टू दी एन के इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब 1, 2, 3 तीनों समीकरणों को एक साथ लगाते हैं तो तीनों में देख रहे हैं V आया है, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू दी 1/P × T × N कह सकते हैं।
और तीनों को जब लगाएंगे तो यहाँ से एक फार्मूला प्राप्त हो गया, वी बराबर आर इंटू टी इंटू एन बाई पी। आर क्या है? एक गैस स्थिरांक है, नियतांक है, जिसको प्रोपोर्शनल हटा करके लगा दिया गया है, आर इंटू टी इंटू एन बटे पी। यानी कि जब त्रिक गुणा करेंगे यहाँ पर एक लिख के, तो पी भी बराबर क्या प्राप्त होगा? एन आर टी। पी भी बराबर एन आर टी, चूँकि एन संख्या है अणुओं की, मोलों की संख्या, इसलिए पहले लिख लिया गया और ये फार्मूला प्राप्त हो गया, पी भी बराबर एन आर टी, जिसमें आर की वैल्यू 0.08218 एटीएम पर मोल पर लीटर केल्विन होता है। छठवां का देखिए, ख का बहुत इंपॉर्टेंट, अफबाऊ के नियम को स्पष्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अफबाऊ का जो रूल था, उन्होंने जो रूल दिया था कि जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव है उनके निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा की तरफ होगा, यानी कि परमाणु के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भराव उनकी ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में होती है। अर्थात जो यहाँ पे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरा होगा लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएगा, पहले निम्नतम ऊर्जा स्तर 1s, 2s, 2p, 3s, 3p बढ़ते क्रम में उनकी ऊर्जा स्तर के हिसाब से 4s, 3d। अब चूंकि 4s और 3d में 4s की एनर्जी लेवल 3d के अपेक्षा कम होती है, इसलिए 4s में प्रवेश कर जाएगा तब डी कक्षक में जाएगा, 4p। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है, यही अफबाऊ का नियम है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का क देखिए क्या आया हुआ, केपी और केसी में संबंध स्थापित करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साम स्थिरांक वाले चैप्टर से दिया गया है, जहाँ पर दाब साम स्थिरांक को केपी बोलते हैं और साम स्थिरांक को केसी बोलते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या फार्मूला है, आइए इसको समझते हैं। तो इसके संबंध को दिखाने के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि कोई जो भी रासायनिक साम्य समीकरण है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, और जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है इनकी दी गई मात्रा है, इनके मोलों की संख्या है। अब इसके लिए इस सूत्र इस समीकरण के लिए जो साम्य स्थिरांक केसी है, पहले निकालने केसी बराबर क्या होगा, इधर की राशि बटे इधर की राशि। पूर्व में बताया गया है कि जो अभिक्रिया की दर होती है सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उस फार्मूले से केसी की वैल्यू निकाल लिया गया। यहाँ पर क्या हो रहा है देखें, पर यहाँ पर राइट साइड में जो सी प्लस डी लिखा है और यहाँ पर इनकी जो सी और डी, स्मॉल सी और डी, इनकी जो मात्रा दी गई है, इनके जो मोलों की संख्या, एक घात के रूप में चढ़ जाता है, इनको बड़ा कोष्टक में इनकी कंसंट्रेशन सांद्रता को दर्शाते हैं। तो सी की सांद्रता, डी की सांद्रता बटे ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है, ए समीकरण नंबर एक बन जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग दाब साम स्थिरांक केपी निकालेंगे, तो चूंकि आंशिक दाब यहां पर जुड़ जाएगा, इसलिए सभी सांद्रताओं के साथ पीपी लग गया, यही समीकरण है, यहां पे सभी के साथ पीपी लगा दिया गया है। देख रहे हैं, जहां पे आपका सी था वहाँ पर पी सी, पी डी, पी ए, पी बी लगा दिया गया है, और बाद ऊपर इनकी जो मात्रा है यानी कि मोलों की संख्या, सी है सबसे ऊपर गया, डी है सबसे ऊपर, घात तो लग ही गया, यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से हम देखेंगे, और आदर्श गैस का समीकरण क्या बोलता है, पी वी बराबर एन आर टी कहता है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी बटे भी हो जाएगा, और एन बटे भी को हम कंसंट्रेशन सांद्रता कहते हैं, इसको सी से व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर एन बटे भी है वहीं पी बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी। सी क्या है, सांद्रता है, तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू सी आर टी एक फार्मूला प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अलग अलग गैसों की जो मात्राएं हैं, आंशिक दाब है, उस हिसाब से हम इसकी मात्रा को मान को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी पी ए, पी बी, पी सी और पी डी निकालें, तो आंशिक दाब पी ए के लिए उसकी क्या हो जाएगी मात्रा, ए आर टी हो जाएगा, जहाँ पर सी सांद्रता था वहाँ पर अब की बार ए आ गया, और जहाँ पर बी है वहाँ पर बी आ जाएगा, जहाँ सी है वहाँ सी आ जाएगा, तो बी आर टी, पी बी बराबर बी आर टी, पी डी बराबर डी आर टी, पी सी बराबर सी आर टी, ये हम मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे इस मान को। तो वही चीज़ समीकरण नंबर 2 में पी ए, पी बी, पी सी के मान को रख दिया गया। देखें समीकरण नंबर 2 ए है, इस पूरे समीकरण को यहाँ पर लिख लेंगे, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ना, पी सी पूरे के पावर सी है, पी डी पूरे के पावर डी है, तो के पी बराबर यहाँ पर समीकरण 2 में मान रखने पर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर घातों को हम अलग अलग कर सकते हैं, सी के पावर सी, आर टी के पावर सी, वहीं डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ डी के पावर डी, आर टी के पावर डी, ठीक है, ये इनके घातांकों को अलग अलग कर दिया गया, फिर सजातीय क्रम में इनको लिख लिया गया, पहले सी और डी को एक साथ कर लिया गया, वहीं ए और बी को एक साथ नीचे कर लिया गया। और चूंकि ये देख रहे हैं आर टी और आर टी सजाती है, तो जब सजाती में क्या होता है, गुणांक की क्रिया में सजाती वालों का घात जोड़ दिया जाता है, सी प्लस डी कर दिया जाएगा, आर टी लिख के सी प्लस डी कर दिया जाएगा, वो अपर साइड में और लोएस्ट साइड में।
तो यहाँ से ये जो केपी का मान आ रहा है हमारा, चूँकि अपर और लोअर यहाँ पर आरटी दोनों समान है, इसलिए ये ऊपर हम लोग घातांकों की तरह घटा देंगे। और जो यहाँ पर हमारा समीकरण एक है, एक क्या कर रहा है, के सी बराबर सी इंटू डी अब बटे ए इंटू बी, इनके जो पावर है आप देख ही रहे हैं। अब इसको ये पूरा जो मान हमारा आ रहा है के सी का, यहाँ पे जो के पी की वैल्यू आ रहा है इसी में जस्ट मान रख देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो पूरी वैल्यू आ रही है ये के सी का मान है, तो इसके स्थान पर के सी लिख दिया गया इंटू यहाँ पर आर टी सी प्लस डी बटे ए प्लस बी जो है ना अपर साइड में जाएगा, तो ए सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। सी प्लस डी को एन टू मान लें और ए प्लस बी को एन वन मान लें, जो अणुओं की मोलों की संख्या है अलग अलग उत्पाद और प्रोडक्ट और अभिकारक के लिए। C प्लस डी क्या है, प्रोडक्ट के लिए अणुओं की संख्या है, मोलों की संख्या, और A प्लस बी क्या है, आपका अभिकारक के लिए है। तो दोनों को N2 माइनस N1 घटाएंगे तो डेल्टा N आएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, KP बराबर एक KC आ गया, जब मान रखे हैं तो RT इंटू क्या हो गया, इसके पावर डेल्टा N हम लिख देंगे, चूँकि C प्लस डी माइनस A प्लस बी इसके N2 लिखें और A प्लस बी को N1 लिखेंगे तो N2 माइनस N1 जाएगा, तो डेल्टा N, यही हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया, KP बराबर KC RT डेल्टा N, जो कि हमें प्रूव करना था। और लास्ट क्वेश्चन, सातवां का लास्ट क्वेश्चन, आरहेनियस के अनुसार अम्ल क्षार और लुईस की परिभाषा देना, अम्ल क्षार का उदाहरण देकर के स्पष्ट करना है। तो वैज्ञानिक जो आरहेनियस थे उन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके धनायन एच पॉजिटिव आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम लोग अम्ल कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जो कि जल में घुल करके OH आयन देते हैं उनको क्षार कहते हैं। तो अम्ल जैसे HCl है, HBr है, HI है, सभी के साथ H लगा है इसमें, आप देख रहे हैं ये सभी वाटर में डिजॉल्व करके H+ आयन देंगे, ये सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। वहीं क्षार जो होते हैं जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, जैसे NaOH है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब आपके क्या हैं, क्षार हैं, ये सभी क्षार हैं। तो NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार के अंतर्गत आते हैं जो कि जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देंगे। सो थैंक्स।